संजना क्या हुआ? जुखाम है क्या? और ये क्या तेरी नाक लाल क्यों है? आप उसे पानी पिला रहे? लोग सही कहते हैं, जब किसी को जुखाम हो ना तो उसे 2 मीटर दूर रहना चाहिए, लेकिन दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? तू ना सही कहता था। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, लेकिन कौन सी बात? तेरी वो जो क्वीन भी है ना, खून चूसने वाली, वो एक्चुअली में खून चूसती है। तुझे भी लगा क्या? हाँ, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, वो खून नहीं चूसती है, मैं गलत था, यू नो, थोड़ी खड़ूस है, सीरियस टाइप की है, बट मुझे लगता है ना उसका दिल ना उसके कपड़े की तरह एकदम सफेद है। अच्छी है वो, उसके ना सिर्फ कपड़े सफेद हैं, जो उसका दिल है ना वो पूरा का पूरा काला है। तू कब से आनंदिता की तरह हो गई है? जहां कहा जाने से देखा उसके बारे में बातें चल रही, पागल हो गई है तू? मैं बातें नहीं बना रही हूँ, तुझे पता है वो कितनी बदतमीज है? बदतमीज नहीं, बदनाम, वो भी तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम्हारी तरह नहीं, अपने काम से काम ही है यार। अगर सीरियस नहीं रहेगी, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो लोग एडवांटेज ले लेंगे यार। इतना बड़ा इम्पैक्ट संभालती है, तुम्हारी तरह नहीं अकेले मूवी देखने जा सकती हो। तुम्हें ना उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं ना क्लास है क्लास, जब ऑफिस में आते हैं ना तो लोग लाइन में खड़े जाते हैं, यूं यूं टैलेंट पहचान लेती है। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती, जो भी करते दिल से करती है। क्या कॉम्बिनेशन है शाकिब और आपकी। संजना, वो चांद देख रही हो? वो चांद ना माया है और बाकी सारे तारे जनता। अगर तारे गायब हो गए ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चांद गायब हो गया ना तो अंधेरा हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे, ये हाई लेवल की बात है। कोर्स मिडिल क्लास लोग इस डीप बात को कैसे समझ पाएंगे? क्या हुआ माया? मैं नहीं समझ पाऊंगी ना हाई क्लास लोगों की बातें, लेकिन अगर हाई क्लास होना माया जैसा होना है ना तो मैं ऐसी ही चलती हूँ। संजना, मैं तो मजाक कर रहा था, बैठ। तू नहीं समझेगा टफर, सॉरी अर्जुन। क्या हो गया तुझे? तू कब से इतनी सीरियस है लगी यार? रहने दे, कहाँ सुन पाएगा तू, और वैसे भी अब तो तू माया का भक्त बन चुका है ना, कहाँ सुन पाएगा उसके बारे में कुछ भी गलत। संजना, आई एम सीरियस, बता क्या हुआ? और जो तेरी माया है ना, उसने आज सबके सामने मेरी इंसल्ट की। तुझे पता जो फाइल मैंने इतनी मेहनत से पूरी रात बैठ के बनाई, उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। और जो मैंने उसे बताया कि इसमें तूने भी मेरी हेल्प की, तो पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो गई। तेरा नाम सुनते ही एकदम भड़क गए वो। तो यार तूने उसके सामने मेरा नाम क्यों लिया? तुझे नहीं मालूम उस दिन झगड़े के बाद से मुझे कितना नापसंद करती हो? रंग बिरंगे कपड़ों की जगह तू भी सफेदी की चमकार बन के वापस आ जाए।